भी चाहते हैं कि लोकल न्यूज का हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे तो हमारे YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप देख रहे हैं आपका अपना यजवार लोकल न्यूज, आपकी आवाज, और मैं हूँ आपके साथ राजीव कुमार। कटरा प्रखंड के अंतर्गत जजुआर पश्चिमी पंचायत के क्वारंटीन सेंटर तारापुर में सरपंच सुजीत ठाकुर के द्वारा अन्य राज्यों से आए हुए प्रवासी मजदूर को नाश्ता और भोजन करवाया गया। नाश्ता में समोसा के साथ मिठाई, नमकीन और भोजन में पूरी, कचौड़ी, सब्जी और खीर का व्यवस्था किया गया था। सरपंच सुजीत ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी संकट के कारण सभी वर्ग के लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस महामारी में सबसे अधिक परेशानी प्रवासी मजदूर को है जो अन्य राज्य से अपने गांव आए हैं। उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास रोजगार का अब कोई जरिया नहीं है जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सरकार इन प्रवासी मजदूर लोगों के लिए गांव में ही पंचायत स्तर पर जल्द से जल्द रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।